किसी एक ग्रामीण इलाके में एक धोबी अपने गधे के साथ वास करता था। वह प्रातः अपने गधे के साथ लोगों के घरों से गंदे वस्त्र लाता और उन्हें धोकर वापस उनके मालिकों को सौंप आता। यही उसका दिन भर का कार्य था और इसी से उसका जीवन व्यतीत होता। गधा कई वर्षों से धोबी के साथ कार्य पूर्ण कर रहा था और समय के साथ साथ अब वह अपने बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा था। बढ़ती आयु ने उसे कमजोर बना दिया था, जिस वजह से वह ज्यादा वस्त्रों का भार नहीं उठा पाता था। एक दोपहर धोबी अपने गधे के साथ कपड़े धोने धोबी घाट जा रहा था। रवि की किरणें तेज थी और गर्मी की वजह से दोनों की हालत खराब हो रही थी। गर्मी के साथ साथ वस्त्रों के अधिक भार के कारण गधे को चलने में परेशानी हो रही थी। वो दोनों घाट की तरफ जा ही रहे थे कि अचानक गधे का पैर लड़खड़ाया और वह एक गहरे गड्ढे में गिर गया। अपने गधे को गड्ढे में गिरा देख धोबी भौचक्का रह गया और उसे बाहर निकालने के लिए प्रयत्न करने लगा। अपनी सारी ताकत लगा दी, लेकिन गधा और धोबी दोनों नाकामयाब रहे। धोबी को इतनी मेहनत करते देख कुछ गांव वाले उसकी मदद के लिए पहुंच गए, लेकिन कोई भी उसे गड्ढे से बाहर नहीं निकाल पाया। तब गांव वालों ने धोबी से कहा कि गधा अब बूढ़ा हो गया है, इसलिए समझदारी इसी में है कि गड्ढे में मिट्टी डालकर उसे यहीं दफना दिया जाए। थोड़ा मना करने के बाद धोबी भी इस बात के लिए राजी हो गया। गांव वालों ने फावड़े की मदद से गड्ढे में मिट्टी डालना शुरू कर दिया। जैसे ही गधे को समझ आया कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो वह बहुत दुखी हुआ और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। गधा कुछ देर चिल्लाया, लेकिन कुछ देर बाद वह चुप हो गया। अचानक धोबी ने देखा कि गधा एक विचित्र हरकत कर रहा है। जैसे ही गांव वाले उस पर मिट्टी डालते, वह अपने शरीर से मिट्टी को नीचे गड्ढे में गिरा देता और उस मिट्टी के ऊपर चढ़ जाता। ऐसा लगातार करते रहने से गड्ढे में मिट्टी भरती रही और गधा उस पर चढ़ते हुए ऊपर आ गया। अपने गधे की इस चतुराई को देखकर धोबी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने गधे को गले से लगा लिया। सीखा, मुश्किल वक्त में गधे जैसा जानवर भी अपनी चतुराई का प्रदर्शन कर सकता है। दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।